इमेज सोचो से सही सी साथ और ते इधे आइए इधे आ बिलाल 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 इधे आ बस कर बस कर बस सट 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 बेसट हाँ बेसट क्या ना हाँ अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बासित अमेजिंग। तो अभी जो मैं मौजूद हूं अपनी ज़मीन वाली साइड पे, ये देखें, इसको कुछ दिन पहले हमने पानी लगाया था, तो अब इसको हम हल लगवाएंगे इसमें, क्योंकि हमने गंदम काश्त करनी है। तो बिल्कुल ही ये हल लगने के काबिल हो चुकी है ज़मीन, अभी ट्रैक्टर वाला भी आने वाला है तो आपको सारा को दिखाएंगे इस वीडियो में। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये देखें, ये ज़मीन बिल्कुल ही हल लगने के बिल्कुल ही काबिल हो चुकी है। और वो वाला दरख्त जो आपको नज़र आ रहा है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने हाथों से लगाया था। वो दरख्त ये किक्कर का दरख्त है, ये देखें इसके ऊपर फूल भी लगे हुए हैं, इसको किक्कर का दरख्त बोलते हैं। ये ज़्यादातर इसको ये जो दरख्त है इसको बकरियाँ बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, इसको खाती हैं, बहुत ही मज़े से खाती हैं। ये वाला दरख्त बहुत ही काफ़ी सारा मोटा हो चुका है। और ये वाले भी हमारे दरख्त हैं, ये वाले दिखा रहा हूँ मैं आपको। ऐ बड़ा भाई वो चला गया है ऊपर उधर ज़मीन वाली साइड पे गंदम का बीज लेके, और मैं ये जो है ये देखें ये लेके जा रहा हूँ, इसमें गंदम का बीज जो है डाल के फिर उसको ज़मीन के अंदर डालेंगे। अभी जो है ट्रैक्टर वाला आ चुका है उसके ये देखें सामने, और ज़मीन में जो है हल लगाने का जो काम है वो बिल्कुल ही शुरू हो चुका है। ये देखें, ये देखें ये सामने जो है गंदम का बीज जो है ज़मीन के अंदर डाला जा रहा है। ये देखें इसमें गंदम काश्त की जा रही है, ये गंदम का बीज पड़ा हुआ है, ये देखें गंदम का जो बीज था वो भी हम रख के आ गए थे। फिर जो जो चारों तरफ से कोने रह जाते हैं ना ज़मीन में, तो वहाँ पे हाल नहीं लगता उसके लिए। ये देखें मैं कहीं लेके जा रहा हूँ ताकि उसको भी अच्छी तरह से वहाँ पे भी गंदम काश्त हो। बिन्ने के पास तो ना साथ ये देखा गंदम का बीज डाला जा रहा है अभी। ये देखें ये अभी ट्रैक्टर जो है अभी यहाँ पे खड़ा हुआ है, बीज जब डाल लेंगे तो फिर इसके ऊपर फिर हल लगाया जाएगा। ज़मीन में ये देखें बैक साइड पे ट्रैक्टर आपको नज़र आ रहा होगा, अभी इस ज़मीन में हल लग रहे हैं।
हल लगने के बाद फिर इसमें बीज डाला जाएगा गंदम का, फिर उसके ऊपर हल लगाए जाएंगे। ये देखें ट्रैक्टर में आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें हल हाँ लग रहे हैं, ये देखें। बीज जो ज़मीन में है ये देखें बीज डाला जा रहा है, ये देखें। ये जब बीज डाल लेंगे पूरी ज़मीन में फिर इसके ऊपर हल लगाया जाएगा ताकि जो बीज है वो मिट्टी के नीचे आ जाए, ये देखें। हाँ भाई बिलाल तू क्या करना वी तू बेच सटना वी बेच सट बेच मान उठी हाँ बेच सट गड़ेंदा चल हाँ गेनू कोल बेच गेन बेच एक उड़े में सी है सटे गेन गेन जल्दी 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 सट सट ऐसे बिलाल भी बेच सटे ना बेवे बेन सट डुबिया बंदा सटे ना वे डुबे बंदा सटे ना वे जो नाल बिलाल पिछू वे सट सट हाँ सट कि बेदन कि हाँ सही सी सट ये अपने पापा के साथ देखें ये गंदम का बीज डलवा रहा है ये देखें साथ साथ चल रहा है तो पापा के साथ लड़ा पड़ा है क्या है इन सब से इन सब से सही सी सट और ते इधे आई दे इधे बिलाल 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 इधे आ बस कर बस कर बस कर सट 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 बे सट हाँ बे सट क्या ना हाँ सट की बस 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 इधे आई दे इधे इधे जुलो आप आई दे ट्रैक्टर तो बहुं आ बहुं आ हाँ ट्रैक्टर तो बिला हाँ उतोते पीपते पीप पीपते भाई पीप उतोते आ पीपते मिला हुआ आ पीपते मिला हुआ उतोते जो है हो चुकी है इधर तो इधर ये साइड पे जो है गंदम हमने डाल दी है इस ज़मीन में, ठीक है ना, काश्त कर दी है। और इधर जो है अभी गंदम डाली है लेकिन ऊपर से हल लग रहा है, तो ये भी अभी इधर भी गंदम बिल्कुल ही तैयार हो चुकी है। शाम जो है इधर होने वाली है, सूरज मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें दरख्तों के बीच गुरूब होने वाला है। तो हमने गंदम भी काश्त कर दी है ज़मीनों में, तो उम्मीद करता हूँ आज का जो मेरी वीडियो है बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें कमेंट करें। ये थी हमारी विलेज की जो रूटीन थी, आज की जो रूटीन हमने गंदम काश्त की है वो आपके साथ हमने शेयर की है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें कमेंट करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दिया करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।